सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आज की आईपीओ से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में, और आज के दिन आपको दिवाली गिफ्ट भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल एकदम फ्री है, जहां पर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए आजकल आईपीओस का दौर चल रहा है और एक के बाद एक काफी बढ़िया आईपीओस आते हुए नजर आ रहे हैं, और देखिए डेली आपके लिए आईपीओ से रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट सामने आ ही जाती है। तो आज भी दो आईपीओस के बारे में अपडेट सामने आई है, उनमें से पहला जो अपडेट है वो है मोबीक्विक का आईपीओ। देखिए इसके बारे में जो न्यूज आई है यहां पर आप देख सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म मोबीक्विक हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी। यानी कि अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो मोबीक्विक है इसने अपना आईपीओ लाकर मार्केट से पैसा रेज करने के लिए सेबी को डीआरएचपी यानी सेबी को अप्लाई किया था आईपीओ के लिए, और अब यहां पर जो न्यूज आ रही है कि सेबी ने ये जो मोबीक्विक कंपनी है इसको अप्रूवल दे दिया है, यानी कि अब इसका आईपीओ कभी भी आपको मार्केट में आता हुआ नजर आ सकता है। और यहां पर थोड़ा और न्यूज देखें तो यहां पर आप देखें कि ये जो आईपीओ है 1900 करोड़ के आसपास का आईपीओ है, और देखिए यहां पर एक और बात लिखी है जो दिवाली के पहले आपको दिवाली गिफ्ट साबित हो सकती है। यहां पर आप देख सकते हैं मोबीक्विक इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इट्स आईपीओ बिफोर दिवाली, यानी दिवाली के पहले इसका आईपीओ आपको आता हुआ नजर आएगा। और देखिए यहां पर आप देख सकते हैं 4 नवंबर के दिन शायद दिवाली है और उसके पहले आपको इसका आईपीओ आता हुआ नजर आ सकता है। तो देखिए ये जानकारी जो है ये टेंटेटिव है, ये जो सूत्रों से मिलती है जानकारी उससे यहां पर आपको बता रहा हूं, ये कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो जानकारी होती है कहीं ना कहीं सही होती है। और मुझे लगता है कि अब अप्रूवल मिल चुका है तो निश्चित रूप से इसका आईपीओ हो सकता है कि 4 नवंबर यानी 4 नवंबर के पहले आपको आता हुआ नजर आए। वही नेक्स्ट जो अपडेट है वो है यहां पर पेटीएम आईपीओ की। देखिए पेटीएम आईपीओ की जो अपडेट है वो कल भी सामने आई थी कि वो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं कि आप हमारे आईपीओ में अप्लाई कीजिए, हमारे कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए। और यहां पर एक और आज न्यूज सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है टॉप यूएस एसेट मैनेजर ब्लॉक रॉक एंड जापानीज फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप नोमुरा आर इन टॉक्स टू इन्वेस्ट इन द यहाँ पर प्लान्ड इनिशियल शेयर सेल्स ऑफ 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। यानी कि दो कंपनीज के नाम यहाँ पर लिए गए हैं, एक है ब्लैक रॉक और दूसरी है जापानीज फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप जो है नोमुरा, जिसका आपने शायद नाम पहले भी सुना होगा। इन दोनों कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं कि ये दोनों कंपनीज पेटीएम के आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर इनकी जो है चर्चाएं सामने आ रही हैं। कल ये बात चल रही थी कि जो पेटीएम है वो कंपनी से बात कर रहा है कि आप हमारे आईपीओज में जो है इन्वेस्ट कीजिए, और आज यहाँ पर एक न्यूज़ आ गई है कि इन दोनों ही कंपनीज का नाम सामने आ रहा है कि ये दोनों कंपनीज पेटीएम के आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो ये दो अपडेट हैं जो आईपीओ से रिलेटेड हैं और आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मोबीक्विक का आईपीओ है वो काफ़ी शानदार आपके लिए हो सकता है और यहां पर आपको काफी बढ़िया पैसा कमाने का मौका भी दे सकता है। तो देखिए यहां पर हम आईपीओ से रिलेटेड या शेयर मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके लिए लाते रहते हैं, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।